हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर कोई पॉपुलर होना चाहता है लाइफ में, तो आज हम बात करेंगे कि हम रातों रात कैसे पॉपुलर हो सकते हैं। पॉपुलर होना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। जब कभी हम कहीं सोशल गैदरिंग में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि बस भगवान करे कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि सब लोग मेरे आगे पीछे घूमें और मैं उन्हें दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। हम सोचते हैं कि कुछ ही सेकंड में ये सब हो जाए, पर पॉपुलर होने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती हैं। जब हम सोशली ऑकवर्ड फील कर रहे हो, अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। Try to become social. अगर आप ज्यादा फ्रेंड बनाना चाहते हैं, बेटर इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, न्यू सोशल सर्कल बनाना चाहते हो, तब आपको सोशल होना होगा। मोस्टली हम सब लोग ये सोचते हैं कि पॉपुलैरिटी का मतलब है ब्यूटी कॉन्टेस्ट या पावर ऑफ स्ट्रगल, पर ऐसे पॉपुलैरिटी वर्क नहीं करती। हर कोई फ्रेंडली और वेल लाइक्ड बन सकता है। आप तब अपने सोशल गोल को अचीव कर सकते हो जब आप अपने फियर से बाहर निकलोगे। ये एक रीजन है क्यों कुछ लोग पॉपुलर नहीं हो पाते, क्योंकि वो न्यू कनेक्शन नहीं बना पाते, वो एफर्ट ही नहीं डालते। सो अगर आप सोशल ऑकवर्ड पर्सन हैं, आप सोशल गैदरिंग इवेंट्स पार्टीज को अवॉइड करते हो, आपको लगता है कि आप उसके लिए नहीं बने हो, आप अपने इमेजिनरी सोशल फियर्स में ही रहते हो, तब आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। सो अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो तो आपको अपने फियर्स से बाहर निकलना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग्स में इंगेज होना पड़ेगा। इससे आप अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करोगे, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज से इंट्रोड्यूस होगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ अगर पॉपुलर होना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंजॉय योरसेल्फ। पॉपुलर होने का सही तरीका सोशल हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हैव फन। Accept diversity. Popular people हमेशा open minded होते हैं, उन्हें पता होता है हर कोई different background से आता है और वो curious होते हैं दूसरे की values को जानने के लिए। So जब भी आप नए लोगों से मिलें या नए friends बनाएं, तो अपने perspective को बड़ा करें। आपको दूसरे के thoughts को appreciate करना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने opinions को दूसरे पर थोपेंगे, तब दूसरा comfortable feel नहीं करेगा आपके साथ। उन्हें ये लगेगा कि आप उन्हें support या करेज नहीं कर रहे, फिर वो अपनी ट्रू नेचर भी शो नहीं करेगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, केयर करोगे, तो रिटर्न में आपको भी सेम मिलेगा। सो अगर आप किसी को जज, क्रिटिसाइज या शेमिंग करोगे, तब आप कभी भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना पाओगे। और अगर आप ओपन, एक्सेप्टिंग एंड क्यूरियस रहोगे, तो दुनिया आपके पीछे आएगी आपसे दोस्ती करने के लिए। Growing more popular means exposing yourself to people of all backgrounds and beliefs. Get down your internal fears. ये सबसे बड़ा hurdle है जो आप face करते हो जब आप किसी unfamiliar जगह पर जाते हो या किसी stranger से बात करते हो। तब आप insecure feel करते हो और doubt करने लगते हो अपने आप पर। आप सोचते हो, पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, पता नहीं कैसा बोल रहा हूँ, और पता नहीं दूसरे के आगे मेरी क्या इमेज बन रही है। आप पैनिक कर जाते हो, पर क्या आप जानते हो ग्रेटेस्ट पावर क्या है पॉपुलर लोगों की? वो सिर्फ अपने अप्रूवल पर बिलीव करते हैं, दुनिया जाए भाड़ में। वो अपने आप पर फेथ रखते हैं। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप चेंज हो जाओ, आप जैसे हो वैसे रहो। आपको ट्रांसफॉर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी को इमिटेट करने की। इन चीजों को अवॉइड करो। इन सब के बजाय कॉन्फिडेंट, सिक्योर एंड पॉजिटिव बनो, फन करो और हैप्पी रहो। जब आप पर्सनली सिक्योर होते हैं, तब दूसरे आपको देखकर कॉन्फिडेंट बनते हैं। वो फिर अपनी इनसिक्योरिटीज को सरेंडर करते हैं, फियर से दूर रहते हैं और सेल्फ डाउट नहीं करते। पॉपुलर लोग ट्रू रहते हैं अपने लिए। बी पैशनेट एंड एनर्जेटिक। क्या आप एनर्जेटिक और पैशनेट हो? क्या लोगों ने आपकी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड साइड देखी है? काफी लोग अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करते हैं अपने इमोशंस को दूर रखकर। वो एक्ट करते हैं कि वो काफी कूल हैं, वो एक्साइटेड नहीं होते और वो सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं लोगों पर। उन इमोशंस का क्या जो वो दबा रहे हैं?
लोग वो देखना चाहते हैं। जब आप एक्साइटेड होते हो तब लोग भी होते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हो तब वो आपकी पर्सनालिटी में दिखती है। मोस्ट पॉपुलर लोग एक्साइटेड रहते हैं, वो कूल बनने की कोशिश नहीं करते, वो लोग कभी भी डिस्टेंस नहीं बनाते, हर वक्त शो ऑफ करते हैं, हैप्पी एक्साइटेड एंड पैशनेट रहते हैं। उनकी एनर्जी इंस्पायर करती है दूसरों को। आपको लाउड वॉइस, सोशल बटरफ्लाई या ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने सही इमोशंस को शो करते रहो। स्पेशली द गुड वंस आर कंटेजियस। आपका पैशन स्प्रेड करना चाहिए लाइक वाइल्ड फायर। लोग आपको सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप कैसे फील करते हो। सो डोंट बी अफ्रेड, बी फर्स्ट टू इनिशिएट। क्या आप इनिशिएटिव लेते हो या वेट करते हो कि कोई आपको अप्रोच करेगा? मोस्टली लोग इनिशिएटिव नहीं लेते। जो आउटगोइंग लोग होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं और कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पॉपुलर होना है तो इनिशिएटिव लेना होगा। पॉपुलर लोग एक्टिव होते हैं और सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। बी एन एक्टिव कंट्रीब्यूटर टू योर सोशल वर्ल्ड। अगर आप पॉपुलर नहीं हो तो ये आपकी जॉब है कैसे चेंज लाना है। Never get disheartened by failure. ऐसा नहीं है कि आपको talented, powerful और wealthy होना होगा popular होने के लिए। In fact, ये सारी qualities आपको harm भी कर सकती हैं। At the end, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनसे वो relate करते हैं, जिनके साथ वो अपना competition नहीं मानते, enjoy करते हैं उनके साथ। So, आप popular कैसे बन सकते हो? Smile through failure. Try करो जो आपने कभी नहीं किया, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी फेलियर आपके सामने आए, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो आप पीछे हट जाओ या स्माइल करके दोबारा उठो और ट्राई करो अगेन एंड अगेन। ये थी कुछ टिप्स कि आप पॉपुलर कैसे बन सकते हो, इन्हें अपनाएं। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।